हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है मंगलवार और अभी हो रहा है, फिलहाल में काम चल रहा है, उसी का शोर आ रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है, क्योंकि हम लोग जो है वो बैम्बू चिक लगवा रहे हैं बाहर की साइड में, दो फ्लोर पे ऊपर, बिकॉज ऑफ कबूतर एंड बारिश। तो कबूतर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अंदर घुस घुस के आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है गंदगी फैला रखी है, तो इस वजह से हम बैम्बू चिक लगवा रहे हैं ऊपर। और एक बारिश का कारण है, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो ऊपर से अंदर आ जाता है, जब भी बहुत तेज बारिश होती है ना, तो पर्दा जो है उड़ जाती है और बारिश का पानी अंदर अंदर आता है और फिर ऊपर से नीचे तक आता है, तो ये दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल में काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, बट अब लगवा लिया फाइनली। एक और काम चल रहा है, गैस की जो पाइपलाइन है वो आ चुकी है, तो हमारे घर पे नीचे के किचन में तो कल हो गया था होल वगैरह, जहाँ से पाइप आएंगे, और ये वाली किचन रह गई थी, तो आज इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेंडर का है सिस्टम वो आई थिंक ख़त्म हो रहा है, और जो पाइपलाइन अंदर से डलेगी ना, तो वो डल रही है, तो जब ये पूरे में डल जाएगी उसके बाद फिर गैस का कनेक्शन होगा, उसके बाद फिर सब कुछ होगा, अभी फिलहाल में पाइपलाइन डल रही है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से किचन का काम जो ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी फिर देखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कैसे क्या करना है सब कुछ। और अभी फ़िलहाल मैं आपको ऊपर चल के दिखा देती हूँ कैसे के लगा रहे हूँ, कितना काम हो चुका है। तो ये लग रही है थर्ड फ्लोर पे, अभी फोर्थ फ्लोर पे तो इन लोगों ने लगा दिया है, तो ऊपर लग चुकी है और अब नीचे लग रही है। और मेन जो है ना, ये दो फ्लोर ही मेन है, बाकी पे इतना वो नहीं होता, मतलब कि यार बाकी तो चल जाती है। ये वाली जो पर्दा है ना, ऊपर से पानी ज़्यादा आता है जब बारिश होती है कभी तकड़ी वाली, तो पानी आ जाता है, तो इसलिए। और बाकी देखेंगे, अगर ये सही लगी तो फिर हम नीचे वाले फ्लोर पर भी लगवा लेंगे। तो यार एक काम ख़त्म हुआ, तब तक दूसरा काम चढ़ गया है ये। तो ये गैस का कनेक्शन जो है ये करने वाले आ गए भैया, और अभी नाप ले रहे हैं कैसे क्या लगाना है, पाइप कहाँ से ले आना है। तो यार यहाँ तो छेद हो गया है, यहीं से पाइप जाएगा और यहाँ से वो आता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ मीटर लगेगा, मतलब हम यहाँ पे लगवा रहे हैं, यहाँ से पाइप होता हुआ आएगा बाहर से, अंदर जाएगा फिर किचन में। हाँ बेटू, मिट्टी मिट्टी कर दिया भैया ने, हाँ छेद क्या है ना वो होल क्या थी, और अब भैया गए ऊपर वाले किचन में करने। हाँ धीरे धीरे आना। और यहाँ पे होल किया था ना, ड्रिल मशीन चलाई थी, तो उसकी मिट्टी विट्टी सारी उड़ के आ गई है, तो फिलहाल ये मिट्टी में भर दे रही हूँ, अदरवाइज़ क्या अभी तो खैर होना है, अभी और गंदा होगा घर, क्योंकि फिटिंग हो रही है भाई, तो गंदा तो हो गई, तो बस फिलहाल के लिए कर देते हैं साफ। तो यार अभी जो ये भैया ही गए हुए हैं पाइप काटने के लिए, बाहर बाहर पाइप रखे हैं, तो पाइप काट के साइज नाप लिया उन्होंने कैसे क्या लगाना है, और काटने के बाद फिर वो आएंगे और फिर लगाएंगे आके। और आज ऐसे पूरा दिन ऐसे निकल गए, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ काम छिड़ता है ना, तो ऐसे ही होता है। तो शाम का टाइम हो गया था, मैं सोचू चाय बना लेती हूँ, वीडियो भी अपलोड करती आती हूँ, साथ में चाय पी लूँगी, और फिर कहीं वो दोबारा से आके काम किया उन्होंने किचन में, तो फिर नहीं बन पाएगी, तो इसलिए जब तक यही बना के पी लेते हैं। हमारी पूरी कॉलोनी में बिछ रही है पाइप जो है, काफी लोगों के यहाँ तो शायद ये पाइपलाइन हो भी चुका है, बट यहाँ पे अब आया है, तो जब पूरे एरिया में सब जगह हो जाएगा ना, पूरी कॉलोनी में जब पाइपलाइन लग जाएगी, तब जाके कहीं
गैस की सप्लाई होगी और इसका मीटर अलग से लग रहा है, तो सबके मीटर हो गया, बस बिजली का मीटर, पानी का मीटर और अब गैस का मीटर लगेगा। तो अभी वो कुछ इतना मुझे पता नहीं है, पूछूंगी मैं इनसे, पूछना भूल गई मैं, तो इनसे पूछना है मुझे कि मतलब मीटर फिर किस हिसाब से चला करेगा, अगर हम गैस कंटिन्यू चलाते हैं तब मीटर काम करेगा, या अगर गैस ऑफ भी कर देते हैं रेगुलेटर से तो मीटर का बिल आएगा या नहीं आएगा। तो ये मैं पूछती हूँ, जितना यूज़ करो उतना बिल आए तो ठीक है यार, पूरे दिन अगर मान लो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका भी बिल आ रहा है तो वो सही नहीं है ना। तो सही है यार सिलेंडर का, फिर वो बच जाएगा सारा लफड़ा, सिलेंडर ख़त्म हो जाता है फिर कुछ हो जाता है बीच में, और आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पाइपलाइन में ख़त्म वत्म होने की। गैस ये तो गवर्नमेंट सीधे सप्लाई करेगी, और जो दूध में से आवाज आ रही है, मुझे लगा आवाज कहाँ से आ रही है, फ्रिज में से दूध का बर्तन निकालो ना तो फिर वो गैस पर रखो तो ठंडे गर्म से वो आ जाती है ना, भाप बन जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो उसकी आवाज आ रही है, मुझे लगा सिलेंडर में से आवाज आ रही है। चलो यार इसमें दूध डाल देते हैं, दूध गिर गया। और सर्दी का मौसम आ गया तो यानी कि जुकाम का मौसम आ गया, क्योंकि मेरे को जुकाम ऐसा ही बहुत जल्दी होता है, बट मेरे को काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है सुबह तो, बट आज मुझे लग रहा है अंदर गले में अजीब सा लग रहा है, तो ये तो अब चलता रहेगा भाई, सबको मोस्टली हो ही जाता है, सीज़न है ना। और मैंने आज पता है देखो कॉम भी नहीं करा, बाल काढ़े भी नहीं, सुबह ही मैंने ऐसी पौनी बना ली थी वैसी बनी हुई है, बस स्टार्टिंग का क्रेज होता है जब बाल कटिंग होते हैं ना, या फिर कहीं जाना होता है तब बालों को ओपन रखने का मन करता है, अदरवाइज घर में काम वाम करो ना तो फिर तो मुझे टाई रखने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं बांध ही लेती हूँ। चलिए मेरी चाय भी हो गई है रेडी बातों बातों में, और चाय पी लेते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ बर्थडे की। तो भैया कब तक चांसेस है गैस के आने के? फरवरी तक आई है। ये भैया सारी जानकारी लिखते जा रहे हैं, तो किस किस के घर में लग गया वो भी लिख रहे हैं। तो भैया मीटर में बिल जैसी आएगा, मतलब जितना यूज करेंगे उतना ही आएगा, अगर रेगुलेटर से ऑफ कर देता तो नहीं आएगा? अच्छा महीने का बिल आया करेगा ना मंथली। टाइल पे लग जाएगा भैया, टाइल पे लग जाएगा यार। ये पाइपलाइन का काम तो हो रहा है बट इससे ना सारा लुक जो है ना खराब हो गया है घर का, तो ये मीटर लगवा तो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यार कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है फिर और कहीं, बट अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, देखेंगे आगे। तो मीटर का सीन क्या है, गैस क्या है, इसमें से पता चलेगी कितनी गैस आ रही है? यहाँ पता चलेगी मीटर कितने गैस आ रहा है, रीडिंग की तरह है ना, नंबर घूमेंगे तो इसकी रीडिंग लेने आया करेंगे, ऑटोमेटिक हुआ करेगा सब? ऑटोमेटिक नहीं, अच्छा लेने के लिए भी आएंगे और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद फोटो खींच के भी दे सकते हैं। फरवरी तक कह रहे हैं, फरवरी तक। हाँ अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो फिटिंग ही हो रही है सबकी। हाँ ये सही है, ये वाली मशीन इससे हो जाता है एकदम, करो आ जाता है। भैया काम कर रहे हैं, वो भैया काम कर रहा है। अच्छा इसलिए ना तो यार ये काम होते होते हो गई रात, और खाना पीना तो खैर हो चुका है सब कुछ, बस बर्तन रह गए तो बर्तन धो के फिर मैं चलती हूँ। और ये आप देख रहे हो ना येलो वाला पाइप, ये वही गैस वाला पाइप है, तो इस वाली किचन में जो है ये अंदर की साइड से फिटिंग हुई है, मतलब बाहर से लेके आए हैं तो सब कुछ ना इधर उधर बिगड़ गया, मतलब दिखने में कुछ भी लुक अच्छा नहीं आ रहा है, बट क्या करें यार कोई स्पेस नहीं था और ज़रूरी भी है ये काम।
कल यार मुझे हेयर वॉश करना है, तो इसलिए मैंने कहा चंपी कर लेती हूँ, तेल डाल लेती हूँ। और आज जो है वो काफ़ी काम हो गया घर में, फोर्थ फ्लोर रह गया अभी गैस की पाइपलाइन की फिटिंग होने के लिए, तो वो कल हो जाएगी। और जीनू ना ये फ्लावर ले आई है, जो फ्लावर थे ना रोज़ वाले बर्थडे के, तो उनको ना तोड़ तोड़ के फेंकती है, तो इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी अभी सफाई करी है मैंने सारी, जो मतलब गंदा हो गया था ना सारा फिटिंग के टाइम पर, तो और जीनू फिर गंदा करिए, तो मुझे गुस्सा आ रहा था उस पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर। Looking on my back and you are still